अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मीसा व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी उठ चुके हैं, नाश्ता वगैरह करना है, उसके बाद जानी है हमने मार्केट। तो बहुत सारा काम है आज, तो अभी देखते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है ना। मार्केट जाके भाई थोड़ा सा मेकअप वगैरह लेना है और दूसरी चीज़ें लेनी जो लेनी, शॉपिंग वगैरह करेंगे, तब भी आपको साथ लेके चलेंगे। अभी उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं और बाकी सबको भी उठाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और टाइम से तो जानना चाहिए हर जगह, लेकिन अभी हम बहुत लेट चुके हैं, तो अभी सवेरा अभी भी नहीं उठी, तो उसको उठाते हैं और फिर तैयार वगैरह करके नाश्ता बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद और सवेरा अभी को उठाने के बाद। A few moments later. अभी मैं आ चुके कमरे में, सवेरा अभी को इतना उठाया, वो नहीं उठ रही है, बिलावल इतना टाइम लगा रही है उठने में, हमने मार्केट भी जाना, अच्छे से पता ही है, सो रही है। सवेरापी 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 बड़ा हरामी हो बेटा। सवेरापी मरियम, सवेरापी उठो, उठ रही हूं। मेरा उठाने का तरीका देखो यार, व्लॉग ले। सवेरा पी उठ गई, शक्ल दिखाओ अपनी। सवेरा पी हाथ उठाओ ना अपनी। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आवाज़ पे नहीं उठते, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये लाइफ हैक है। उठो, मार्केट नहीं जाना। उठ गई, हाय तो बोल दो। मरियम अच्छा हाय बोल। देखो मैं डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर चुकी, तो मैं ऐसे ही आऊँगी सबके मुंह। अच्छा आ रही हो, हाय तो बोलो, हाय बोलो। हाँ मैं उठ रही हूँ, एक मिनट बन तो। अच्छा बस अब दिखा दो चेहरा अपना। उठो, अच्छा जी तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने मुँह हाथ भी धो लिया, मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। अब थोड़ा नाश्ते की तरफ चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम लोगों को जाना है मार्केट, हमें कुछ सामान लेना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल देखिए नाश्ते में क्या बनेगा। ये मिली हमें मरियम, मरियम बना रही हूँ ऑमलेट, मैं बनाऊँ। मैं बस सारा काम करने का, मैं बनाऊँ क्यों सारा काम, झूठी अभी उठ कर आके बैठी हो तुम, दिखाना है तो बिना चश्मे की कैसे अजीब सी लग रही। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? और यहाँ पर हम पराठे बनाने की तैयारी में लग चुके हैं, पशु आकाश में। हम नाश्ता बनाने के बाद A few moments later. अब इसमें से ढूंढ लेंगे हम, अब आया अपना निकालेंगे, मरियम के लिए निकालेंगे ये वाला, और अब मैं अपने लिए निकालूंगी ब्लू वाला। चलो भाई अब हम ऊपर आ गए, हमें पता चला है कि भाई हमें लेके जा रहा है, पहले हम जा रहे थे अजान के साथ, लेकिन अब अजान साथ नहीं जा रहा, भाई जा रहा है, और भाई की बीवी मौजूद नहीं है, इसलिए हमें भाई के कपड़े इस्त्री करने ऊपर आना पड़ा है, तो मैं अब भाई के कपड़े इस्त्री करूँगी। Why are you crying? तो जी अब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलने लगे हैं मार्केट के लिए, लेकिन अभी मार्केट निकलने लगे ही थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है बाहर, तो अब हम जाके देखते हैं मरियम वहाँ पे क्या कर रही है, मरियम से पूछते हैं। हाय मरियम, रेडी अब आ रही दिखाएं। तो जी जैसा कि अभी सवेरा पे आपको दिखाने जा ही रही थी कि बाहर बारिश हो रही है, कि वैसे ही लाइट चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में हल्की सी दो बूंदे क्या गिर जाए तो उन्होंने लाइट फौरन ही बंद कर दी है पूरे शहर की। ये जैसे सवाब का नाम है, हाँ लाइट जाते ही नहीं बारिश होती है, सबसे पहले लाइट जाएगी। हाँ तो इतना अंधेरा हो गया घर में, सब बताओ आप, ये दुआ कर रहे हैं कि जिधर जा रहे हैं उधर मार्केट में ज़्यादा तेज़ ना हो, हम सामान खरीद लें सुकून से। सही बात है, वरना हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आओ दुपट्टे में दिखाएं, देखो कितनी मासूम लगती है सूरत, ऐसे इन्होंने अपने दिमाग अपने पूरे मुंह इतना बना लिया, अल्फाटावर जितना बड़ा, इतनी लेयर्स डाली, देखो ज़रा
मार्केट जा रहे हैं क्या, किसी शादी में जा रहे? दिखा मुझे। ओहो एक मिनट, ऐसे देखें। मरियम वो नहीं लग रही मदनी चैनल वाली, वो जो कुरान पाक पढ़ाती है बच्चों को। मासूम मासूम। चले यार चले, यहाँ से देख लेते हैं, बारिश हो रही है। हाँ यहाँ से देखो जाओ। इतनी तेज बारिश हुई कि यहाँ पे घास उग गई। देखा हमारे यहाँ घास उगती, जादू जमीन से घास उग गई। मार्बल के ऊपर इन्होंने घास उगाई, देख रहे हैं। वाह बारिश होना तो निकलना नहीं चाहिए घर से, पर ये हालत हो जाती है इंसान की। एक तो बारिश ऊपर से गड्ढे, इससे पता चल रहा है कि हम कराची में रहते हैं। कराची वाले जिंदाबाद, वी लव कराची, बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है कराची। सफर में तो मार्केट में हमने मतलब के ब्लॉग्स ले आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी, इतना मतलब के था पानी था, बारिश थी और लोगों का रश भी बहुत था। हम आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। हमने सामान तो ले लिया था लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। हाँ तो मतलब के सामान के लिए हमारा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था, कंसीलर नहीं था और काजल लेना था और लिप ऑयल लेना था ख़त्म थी वो, और बाकी फाउंड मतलब के जो था शैम्पू मास्क वगैरह ये सब चीज़ें ली थी जाके। तो अभी वो दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया है। दिखाते हैं, दिखाओ मैं दिखाती हूँ। ये लिए हमने फेस वॉश, दो लिए हैं। ये फेस वॉश लिया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे, अच्छा काम करता है ये, भाग भाग के काम करता है। ये लिया हमने शैम्पू, ऑर्गेनिक ऑयल शैम्पू, ऑर्गन ऑयल शैम्पू। ओ दिखाओ, मतलब कि ये शैम्पू भी इतना अच्छा है, उन्होंने मतलब ऑयल की जो कमी है वो भी पूरी करेगा, बड़े मजे का है और इसका मार्क सही है। ये दोनों हो गए, ये पेयर दिखा दें तो दो। हाँ दिखा दो, चाइनीज में लिखा हुआ समझ किसी को। ये मास्क, ये भी आपके बालों को मतलब कि बहुत अच्छा करता है, देखिए हेल्दी कर देगा। हाँ ये हमें ऐसी मतलब मिला था गिफ्ट के, ऐसा मुफ्त फ्री का मिल गया था। अरे हाँ ये हमें कब मुफ्त मिला। ये है प्राइमर, है प्राइमर, प्राइमर हाँ, ये वाला प्राइमर है। और ये है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, ये लिप ऑयल लिया हमने। और ये क्या है तुम बता दो। ये फाउंडेशन है, हम दोनों का मतलब के कलर एक दोनों का सेम हो चुका था। वो हमारा झूठ बोल रही है, मैं बताती हूँ, झूठ बोल रही है। उन्होंने बोला था कि आपका कलर बहुत फेयर है, आपको फाउंडेशन की ज़्यादा नीड नहीं है। आप उस आपने जो मरियम ने फाउंडेशन लिया है ना, उसके साथ भी अगर आप थोड़ा थोड़ा कवर करके लगाओगी ना तो आपको हो जाएगा। सारा फाउंडेशन का सामान मरियम का है जी, तो मेरा ही हम बता रही हूँ कि फाउंडेशन और ये कंसीलर। कंसीलर शुरू से यही वाला आ रहा है मिस रोज के, दिखाओ फॉलो। दूसरे भी आते हैं, मुझे ये सूट करता है। अरे हमारे ये आ रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ हम लोग ये लेकर आ रहे हैं शुरू से। और ये वो जो पाउडर था वो मिस रोज लिक्विड कंसीलर, ये बहुत अच्छा है। इसका शेड पता नहीं क्या है, ये जैसे दिखाओ। हाँ आ गया, दिखाओ ये शेड है। और ये लूज पाउडर, काजल और ये मस्कारा, उन्होंने कहा कि नया है ट्राई करें। मेन जो अच्छा था ये तो हमने लिया अपना सामान, तो बस मतलब कि ये सारा सामान हमने लिया है। और अच्छा तो आप लोगों ने अब सारा सामान देख लिया होगा, बहुत
ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, जितनी हमें ज़रूरत थी उतना ही हमने सामान लिया, अभी हमने फजूल कुछ भी नहीं लिया। और हम लोग ज़्यादातर गए अपने काम के लिए नहीं थे, हम लोग किसी और काम के लिए गए थे, तो हम लोगों ने अपना सामान भी ले लिया। और हम वहाँ पे वीडियो इसलिए बना नहीं पाए, जैसे मरियम ने आपको बताया कि वहाँ पर कीचड़ और वहाँ पे मतलब लोग बहुत थे आगे पीछे, और बारिश की वजह से तो बहुत मुश्किल हो रही थी। ऊपर से हम अबाया पहन के गए थे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि अबाया पकड़ के चलें, अपने आप को देखें या फिर वीडियो बनाएं। खैर अब हम घर पर आ चुके हैं, हमने अपना सारा सामान भी सेट करके लगा दिया है, तो अब मरियम फ्रेश हो रही है, उसके बाद हम लोग रोटी बनाएंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे। मैं रोटी बनाने के बाद रोटी बना कर आपको मिलती हूँ। ओके तो जी, रोटी रोटी बना ली है हमने, खा भी लिया, अभी आपको देखिए जाकर टाइम लैप पे लगाए थे क्योंकि अभी इतना नहीं है कि अब हम आप ऑन करके बनाते रहें। तब रापी ने मैंने रोटी बना ली, सबने खा ली, अब हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब हम लोग आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि व्यूवर्स ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है व्यूवर्स के मुकाबले। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जाके लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। और अब आप बोल दें और आपको मतलब कि अगला कंटेंट या वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो उसके लिए वो वैसी बना के लेके आए, कोई चैलेंज वीडियो, मेकअप वीडियो, कुछ भी तो उस पर बना के आएंगे। अगर हम मेकअप भी लेके आएँ तो उसको इस्तेमाल तो करना ही है, मेकअप लेकर आए वो इस्तेमाल भी करेंगे और मज़े मज़े की वीडियोस बनाते रहेंगे। चलो जी, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दें। बाय बाय।